Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine and first class. Today's topic is very special and it is regarding the ISRT, that is Indian Society of Radiographers and Technologists, and celebration of World Radiography Day 2022. फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल टाक अबाउट आई एस आर टी दैट इज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड टेक्नोलॉजिस्टस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो चलिए गाइज़ सबसे पहले हम आई एस आर टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आई एस आर टी क्या है काफ़ी बच्चों की मुझे मैसेज भी आती हैं मेलस भी रिसीव होती हैं कि सर आई एस आर टी क्या है इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है इसका पर्पस क्या है तो इस वीडियो में आज सब कुछ वो क्लियर होगा सबसे पहले जो आईएसआरटी हैं है दैट इज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड टेक्नोलॉजिस्टस ये एक एपेक्स बॉडी हैं इंडिया की विच वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रेडियोलॉजिकल प्रोफेशन जो रेडियोलॉजी प्रोफेशन है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए इंडिया uh, की एक एपेक्स रेडियोलॉजिकल बॉडी है दैट इज़ आईएसआरटी। गाइस अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन जो हैं उनकी अपनी एक एपेक्स uh, बॉडी है दैट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल आई एन आपने सुना होगा एंड दैट बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन और ये जो आई है यही रेस्पॉन्सिबल है नर्सिंग प्रोफेशन की अपलेफ्टमेंट के लिए देखिए गाइस एग्जाम्पल से समझाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जो नर्सिंग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स हैं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जी करता है यानी डिप्लोमा किसी के पास बीएससी डिग्री होती हैं बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किसी के पास पीएचडी भी होता है ऑन दैट बेसिस जो आ, नर्सिंग प्रोफेशन है इसमें अच्छी खासी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होती हैं यानी स्टाफ नर्स या हम बोलेंगे सी एच ओ कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर ए पी निकलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर निकलते हैं तो दीज पोस्ट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज अकॉर्डिंग टू डिप्लोम ठीक है लेकिन अगर हम अपनी रेडियोलॉजिकल uh, प्रोफेशन की बात करेंगे हम एम करके पी करके हमें एक्सरे टेक्नीशियन ही रहना पड़ता है सो देयर शुड बी एन अपेक्स बॉडी दैट कैन अपलिफ्ट आवर प्रोफेशन ठीक है हाँ तो uh, एक ऐसी अपेक्स बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारे रेडियोलॉजिकल प्रोफेशन को अपलिफ्ट uh, करे क्योंकि कोई बंदा डिप्लोमा एक्सरे करता है कोई बंदा बीएससी रेडियोलॉजी करता है एमएससी रेडियोलॉजी करता है पीएचडी रेडियोलॉजी करता है पीएचडी वाल वाले को भी वही एक्सरे टेक्नीशियन ही रहना पड़ता है सो फॉर दैट पर्पस आई एस आर टी इज़ वर्किंग ऑन द फ्रंट इसीलिए आईएसआरटी आई एस आर टी को बनाया गया ताकि जो रेडियोलॉजिकल uh, प्रोफेशन है इसकी अपलिफ्टमेंट हो जाए ठीक है हाँ तो एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि जो आईएसआरटी हैं आईएसआरटी है ISRT को बनाने का मकसद यही है कि रेडियोलॉजिकल प्रोफेशन अपलिफ्ट हो जाए यह किसी इंडिविजुअल की बॉडी uh, नहीं है ना इसमें किसी इंडिविजुअल का फायदा है तो वी ऑल हैव टू वर्क फॉर इट वी हैव टू ज्वाइन आवर हैंड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेडियोलॉजिकल प्रोफेशनल्स को कि वो अपने हैंड्स ज्वाइन करें और इसके लिए काम करें देखिए गाइस सीधी सी बात है कि हम लोग इसकी रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आप लोगों पे भी ज़िम्मेदारी बनती हैं कि आप ज्वाइन करें इसमें रजिस्टर करें देखिए गाइस सीधी सी बात है कि अगर गवर्नमेंट को आ, किसी बॉडी को रिकॉग्नाइज करना होगा तो उस बॉडी में बहुत सारे मेंबर्स होने चाहिए जिस बॉडी के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती हैं सो आई रिक्वेस्ट वनस अगेन टू यू गाइज दैट जॉइन हैंड्स एंड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशनस इन आई एस आर टी इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड ठीक है हाँ तो इसके लिए हमारे पास हैं मिस्टर फिरदोस सर या मिस नाहिदा मैम या मैं uh, मुझे आप मैसेज कर सकते हो इसकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो मैं रजिस्टर करवा दूंगा नाउ लेट डिस्कस अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2022 देखिए गाइज आप सब लोगों को बता है कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन एट्थ नवंबर क्यों क्योंकि एक्सरे का जो सबसे पाइनियर पर्सनलिटी थी दैट इज़ डब्ल्यू सी इसी दिन दैट इज़ एट्थ नवंबर को उसने एक्सरेज डिस्कवर किए थे तो इस डिस्कवरी पर हम एट्थ नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं इस साल का जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट कर रहे हैं ठीक है फिर से मैं बताऊगा वेन्यू कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में ठीक है ऑन एट्थ नवंबर एंड इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू गाइस दैट वी हैव ओनली 250 सीट्स टू बी फिलड दियर उसके बाद 250 सीट्स के बाद जो भी प्रोफेशनल आएगा जो भी स्टूडेंट आएगा तो हिज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी एंटरटेनड तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिसको रजिस्टर करना होगा वो मिस्टर फिरदोस सर से रता करे या मिस नाहिदा मैम से रता करें या डायरेक्टली मुझे मैसेज करे तो uh, हम इस उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे हम उसकी सीट बुक करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही तो आ, हाफिज फी फ़ियामान्ला किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कोई क्वेरी होगी तो वो मुझे मैसेज करना